वड्डी खबर आ रही है ड्रग केस च फसे श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ते साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया नूं अगाऊ जमानत ते सोमवार नूं सुनवाई दौरान वड्डा झटका लग्या है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिंदिया अगाऊ जमानत अर्जी खारिज कर दित्ती है। तां दस दिए कि अकाली आगू मजीठिया ते पंजाब पुलिस ने NDBS एक्ट तहत मामला दर्ज किया होया जिस विच उन्हां वल्लों पहला मोहाली अदालत विच जमानत अर्जी लाई गई सी, पर जदों उत्थों उन्हां नूं जमानत ना मिली तां उन्हां ने हाई कोर्ट दा रुख किया सी। उन्हां नूं कोर्ट वल्लों पहला 18 तरीक तक जमानत दिती गई सी जिसनूं बाद विच वधा दित्ता गया सी। सोमवार मामले की सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने मजीठिया ते पंजाब सरकार दोवां दीआं दलीलां सुनण तों बाद फैसला राखवां रख लिया सी। उपरंत अदालत वल्लों फैसला सुनाउंदे होए मजीठिया की जमानत अर्जी खारिज कर दिती है, जिस तों बाद श्रोमणी अकाली दल नूं वी चोणां दे इस मौसम विच वड्डा झटका मन्निया जा सकता है, क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल दे अजिहे नेता हन जिन्हां नूं लै के अकाली वर्करां विच हमेशा भारी उत्साह वेखण नूं मिलदा है ते उन्हां दी रहनुमाई हेठ ही वर्करां च जोश वी भरिया रहिंदा है। हुण जदकि पंजाब दे विच चोणां दा मौसम है ते अजिहे विच बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों जो वड्डा झटका दित्ता गया है जिसका असर श्रोमणी अकाली दल दी चोण मुहिम ते वी पैण दे आसार हन। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।